गुरु परिवार जो अब सुन रहा है सबको जय गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको सेहतें दें, खुशी दें। और अलका आंटी का स्पेशली मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझको आज उन्होंने गुरु जी के थोड़ी सी प्रेज वडियाई उस्तत करने का मुझे मौका मिला है। हालांकि हम तो बहुत ही छोटे हैं, एक कण भी बहुत बड़ा है। गुरुजी तो बहुत बहुत महान है, पूरे सृष्टि के रचयिता, ट्रिलियन ऑफ जीव जंतु मनुष्य को पालने वाले, उनकी वड़ियाई हम छोटे इंसान, छोटे दिमाग वाले, छोटी सोच वाले, छोटे से लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी मैं आज करूं, कोशिश करूं, थोड़ा सा गुरुजी मुझे माफ करे जहां भी गलती हो। इन द सेम ब्रेथ आई विल आल्सो लाइक टू थैंक चंदा आंटी, जिन्होंने मुझे पूरा सेट ऑफ शिव पुराण भेजा इंडिया में, और मैंने उसको पढ़ा और उससे मेरे को ये ज्ञान हुआ कि हम गुरुजी के चरणों में सालों साल बैठे रहे बट हम उनको पहचान नहीं सके। वो एक्चुअल में गुरुजी जो हैं शिवजी महाराज हमारी धरती पर आए थे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं 99 और बिगनिंग ऑफ 2000 में अम्बाला में पोस्टेड था। उससे पहले मैं गुरुजी के पास अम्बाला से ही, हम रोज सैटरडे को या फ्राइडे को जैसे ही ऑफिस खत्म होता था ट्रेन पकड़ के वहां से शताब्दी वगैरह पकड़ के दिल्ली आ जाते थे और गुरुजी के मंदिर में जाते थे। और मंडे सुबह सुबह शताब्दी चलती थी जो 2-2.5 घंटे में अम्बाला पहुंच जाती थी। मैं अम्बाला में पोस्टेड था और अम्बाला जो है वो एक बहुत रिलीजियस प्लेस है। वहाँ कुरुक्षेत्र बिल्कुल साथ है और बहुत रिलीजियस चीजें हैं वहां पर। और मुझको फिर सुनने में आया कि वहाँ पर एक कंटोनमेंट के अंदर, जहाँ पर मैं, मेरी यूनिट थी, जहाँ पर मेरा डिवीजन हेडक्वार्टर था, मैं भी वहाँ पर था, वहाँ पर एक गीता का अध्याय होता था रोज सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। और उसमें 5 से 10 हजार लोग आते थे और जो गीतानंद जी उसका प्रवचन करते थे या पढ़ते थे, गीता के बारे में बताते थे, वो पिछले 60 साल से उस वक्त बता रहे थे। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनसे जाके मिलूं, बट मेरे को पता लगा कि उन्होंने इवन उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मिलना चाहते थे, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। बट लकीली मेरा जो डिविजनल हेडक्वार्टर में पंडित जी थे और जो उनका सेवक था गीतानंद जी का, वो भी आर्मी का था और मेरे पंडित जी को जानता था, तो उन्होंने करके मेरा एक 4-5 मिनट का मुलाकात करवाई। तो उस मुलाकात के पहले ही मिलते ही मैं जमीन पे बैठा, वो मेरे ख्याल चारपाई पे बैठे हुए थे गीतानंद जी। मैंने उनसे कहा कि गीतानंद जी आप पिछले 60 साल से गीता का प्रवचन कर रहे हैं तो आपको तो गीता के बारे में बिल्कुल सब कुछ पता होगा। तो उन्होंने मेरे को ये शब्द कहे कि उनको भगवान ने उतनी ही बुद्धि दी है जितनी भगवान उनको देना चाहता है, और ये तो गीता जो है ये तो एक समुद्र के बराबर है, मैं तो बहुत छोटा, एक डुबकी भी नहीं उसमें लगाई है अभी तक। और दूसरी उन्होंने ये बात कही कि मेरा तार जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है और मैं कभी भी, वो मुझे कहेंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ना, ये दो बातें मेरे को याद रही और भी थोड़ी सी बात की मैंने, एंड आई केम बैक। तो आज मैं सोचता हूं कि गुरुजी ने भी उसी तरह हमको उतनी ही बुद्धि दी जितना वो चाहते थे कि हमको उतनी ही समझ होनी चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या हुआ कि लोग कहते थे कि शिवजी महाराज है, गुरुजी शिवजी हैं, शिवजी हैं, बट बाद में सुनने को आता था कि गुरुजी शिवजी रूप हैं।
मगर हमारे बचपन से ही हमारे ये जो चित्रकार की जो इमेजिनेशन से जो उन्होंने चित्र बनाए हैं उससे कुछ नहीं मिलता था उनका। उस चित्रकार में शिवजी महाराज की जटाएं हैं और एक सर्पनाग है, एक चांद है, एक साइड में उनके त्रिशूल है, ये सब। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए और जब गुरुजी के पास गए पहली बार और उनको माथा टेका, तो पहले ही उनके जो उधर चरण पड़े थे उनको उनके ऊपर नाक रख के स्मेल किया, तो उसमें रोजेस की फ्रेग्रेंस तो आई मगर उसके साथ ही साथ थोड़ा सा लेदर की भी स्मेल आई। आई थिंक ये गुरुजी का अपना तरीका था मेरे ऊपर पर्दा डालने का। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि उस टाइम का जो माहौल होता था वहां पर थोड़े लोग थे 98 के अंदर, तो ये था कि आपको बताया गया था कि आप जैसे ही सत्संग खत्म होता है या जाते हो चुप अपनी गाड़ी में जाके वापस चले जाना, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो किया तो उस पे तुम्हारी। तो बीइंग ए सोल्जर ये प्रवृत्ति मेरी 2007 तक रही। हालांकि मैं अब देखता हूँ सुनता हूँ कई आंटीज बोलती हैं कि वो बाहर गुरुजी के बारे में बातें करती थी और उनको पता लगता था, तो शायद ऐसा मैं भी करता तो मुझको मच जल्दी पता लग जाता। तो हम उनको एक इंसान रूप में, हालांकि कई एक गुरुजी के सेवक जो बहुत क्लोज रहे सालों तक, मैंने उनसे वार्तालाप की और उनसे पूछा, नरेंद्र ढंड अंकल फॉर एग्जांपल और मेनी अदर्स, पांडव वाले अंकल से पूछा और जो आंटी हैं जो सेवा करती थी उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि हमने उनको अपना मित्र टाइप या समझा। और ये सब गुरुजी की महिमा थी। हालांकि मैंने पहले ही जाते ही थोड़े चंद एक दिनों में देखा कि गुरुजी के एक दिन फर्स्ट वीक की बात है कि उनकी जो स्वरूप सामने लगा हुआ है, आज भी छोटे मंदिर में राइट में लगा हुआ है सेम स्वरूप, कि देखो अमृत गिर रहा है, तो जाके टच किया, वी सॉ दैट, वी गॉट द फ्रेग्रेंस, वी यूज टू सी त्रिशूल बीइंग मेड ए काइंड ऑफ अ टैटू ऑन गुरुजी'स फोरहेड ऑन द लेफ्ट साइड। आई स्पोक टू हिज मदर, गुरुजी की माँ से, गुरुजी की माँ ने कहा कि जब वो पैदा हुए तो दाइयों ने कहा कि तुम्हारे घर में शिव जी का जन्म हुआ है, और भी बहुत सी चीजें देखी। मगर क्योंकि एक पर्दा डाल दिया था गुरुजी ने उससे हम, और वो मैं आज समझ सोच भी सकता हूँ कि गुरुजी सृष्टि के मालिक हैं, वो हर एक चीज जानते हैं, उनको पता था कि किस तरह स्लोली बाय स्लोली ही हैज टू रिवील हिमसेल्फ और कितना मैं कर सकूं, ये भी उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को पहले ही पूछा कि किस वास्ते आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे मेरे लड़के की शादी है, तो गुरुजी ने कहा उन्होंने फोटो लेके आई विच आई हैव ऑलरेडी नरेटेड, सो आई विल वेरी ब्रीफली टेल यू दैट नेक्स्ट डे आई टुक माय चिल्ड्रंस फोटोग्राफ टू बी डॉटर इन लॉ एज वेल एज माय सन्स फोटोग्राफ। तो गुरुजी लुक्ड एट इट एंड वी टुक इट दैट ही ब्लेस्ड इट। एंड अब मैं बताता हूँ कि गुरुजी एक बार आपको, मैंने बताया कि एक बार एंट्री कर देते हैं आप की एंट्री हो जाती है, विच आई नरेटेड अर्लियर हाउ इट वॉज इन माई केस, गुरुजी के पीछे एक उनके सुदामा थे, कौन खड़े थे, उन्होंने कहा गुरुजी इज द नंबर नोट कर ले, सो आई टेक इट दैट माई एंट्री वॉज डन। एक बार एंट्री कर लेते हैं तो गुरुजी, मैं आगे आपको बताऊंगा, आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, ही इज देयर ऑलवेज फॉर यू। हमारे बच्चों की शादी मार्च 99 में हुई, इतनी भव्य शादी हुई, आज मैं उसको देखता हूँ, वो सारी पिक्चराइज करता हूँ, इट वॉज ए वेरी ब्यूटिफुल एक सीन था। वहाँ पर दो हमारे मिलिट्री के बैंड प्ले कर रहे थे और फॉरेनर्स बड़े क्लिक कर रहे थे फोटो, बिकॉज इट वॉज ए समथिंग न्यू फॉर देम, जो होटल में 5-star होटल के लॉन में शादी थी, एंड बड़ी मंदम बहुत अच्छी विंड चल रही थी और देयर वॉज लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑल्सो इन द एयर। और उसके बाद एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल एंड आई सी दैट इट वॉज ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स दैट
this happen, and it keeps on, his blessing keeps on, are always there till to date. Now मैं आपको अगला बताऊंगा कि इवन बच्चे जो हैं वो भी बच्चे जो हैं वो भी गुरु जी से जुड़े हैं, और गुरु जी से एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका वो हमेशा, आप उनकी शरण में पहुंच गए तो दे टेक केयर ऑफ यू. फेब्रुअरी 2015 में गुरु जी के टाइम में थोड़ा थोड़ा घुटनों में दर्द होता था, बट कभी ऐसा दिल में नहीं आया कि गुरु जी को कहें कि जी मेरे गोडियां दर्द होता है. एंड आई वॉज अ वेरी एक्टिव प्लेयर, मैं खेलने जाता था डेली. तो 2015 में मेरे नीज बहुत ज्यादा खराब हो गए, एंड फाइनली वी हैड टू टेक अ डिसीजन टू गेट द नीज रिप्लेस्ड. सो माई सन केम डाउन फ्रॉम सियाटल टू इंडिया फॉर द ऑपरेशन, एंड it was nicely done and everything became all right. He left back for USA, everything was going on well. ek din main kareeb 1.5 mahine baad ghar ke bahar hi ek park tha, usme ghumne chale jata tha. batate hain ki iske operation ke baad you should walk a lot. to main aise sham ke waqt ghum raha tha aur suddenly I became breathless. And दो स्टेप लेता था, and I used to feel, that I need to stand. मैं जल्दी से घर आ गया, और घर आके मैंने जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट एक मित्र थे बड़े सालों के, पिछले 15-20 साल के मेरे मित्र थे, उनको मैंने रिंग किया हॉस्पिटल में. तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा मैं तो इस वक्त बॉम्बे में हूँ, रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, आप मेरे असिस्टेंट सुहेंसो उनके पास चले जाइएगा. मैंने एक गाड़ी बुलवाई और मैं और मेरी आंटी जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए. हॉस्पिटल में उन्होंने देखा मेरा, ऑब्वियसली द ब्लड प्रेशर वाज हाई, द पल्स रेट वाज वेरी हाई, मेरा ख्याल 130 140 कुछ ऐसा था. और नादानी में मैंने वो डॉक्टर को कहा कि भाई आपके जो सीनियर हैं मेरे मित्र हैं. तो उसने कहा साहब आज ही उन्होंने मेरे को रिंग किया है. तो मैंने कहा मैं आज घर चला जाता हूँ, कल आ जाऊंगा. वो बड़े हैरान हो गए, कहता यू कांट इवन वॉक वन स्टेप एंड यू प्लानिंग. मैंने कहा कल मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आ जाऊंगा. उन्होंने सीधा पकड़ के मेरे को आईसीयू में डाल दिया. एंड बाय नाइट डॉक्टर साहब आल्सो अराइव्ड फ्रॉम बॉम्बे एंड ही केम टू सी मी स्ट्रेट अवे. और उन्होंने मेरे ख्याल मेरी आंटी को बताया कि ही हैज गॉट पल्मरी एम्बोलिज्म, पीई. पीई इज ए क्लॉट दैट गोज इन टू लंग्स. If the clot goes into heart, it gets a heart attack. If it goes into brain, it is a brain stroke. And if it is into heart, it is a pulmonary embolism. मेरा वहाँ पर treatment शुरू हुआ. मैं ICU में काफी दिन रहा, और मेरी आंटी आती थी जब भी उनको visiting hour के time में गुरुजी की का स्वरूप लाती थी और मेरे माथे से touch करके कहते थे गुरुजी का नाम लो आप, उनको याद करो. जो उस तरह सेमी कॉन्शियस पोजीशन में जितना भी मैं कर सकता था मैं वो करता था. और जाकर 10-12 दिन के बाद मैं 5-6 दिन बाद आईसीयू से शिफ्ट हो गया. वहां पे मेरा बाकी फिजियो ये सब होता रहा, और करीब 10-12 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया. नो प्रॉब्लम टिल देन. उसके बाद एक दिन मैं करीब 2-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब को मिलने गया फॉलोअप के लिए, चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए. अब जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया वो बहुत चौंकाने वाली चीज थी. डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब आए थे तो आप ही की उम्र के एक और पेशेंट एडमिट हुए थे. वो पेशेंट थे जिन्होंने उस हॉस्पिटल की जमीन को खरीदने में मदद की थी, तो वो उस टाइम से ही एक वीवीआई का, उनको वीवीआईपी का ट्रीटमेंट मिलता था.
तो जब वो भी उसी टाइम पर आए तो ज्यादा से ज्यादा स्टाफ के, और सारा स्टाफ जानता था क्योंकि उससे पहले जब भी आते थे तो होल स्टाफ न्यू दैट ही इज द पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, उसने वो जमीन दिलवाई थी हॉस्पिटल को। तो वो बताते कि सारा मैक्सिमम स्टाफ जो है वो उसकी तरफ चला गया और वो उसी ब्रेथ में मुझसे कहते हैं कि वी कुड नॉट सेव हिम। नाउ गुरु जी की महिमा है, मैं अभी भी खेलने चला जाता हूँ, आज करीब 6-7 साल हो गए हैं, उनकी बहुत दया है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं आपको कि गुरु जी एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो हाथ नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे काम करूंगा। नाउ आपने, अब हमने हजारों लाखों सत्संग सुने हैं आपके माध्यम से, जूम बड़े मंदिर से, इतने वीडियोस हैं, इतने यूट्यूब में हैं, ये सब वो लोग थे। एक हम 100 ही कुछ करीब लोग थे जिन्होंने, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और कहा कि तुम लिख के लाना। तो हम सोचते थे कि ये इतने ही लोग होंगे जिन्होंने जिन्होंने यू नो हु हैव सम एक्सपीरियंसेस। हाँ, कितने हम गलत थे। आज कम से कम मेरा ख्याल है कुछ हजारों में तो होंगे, मिनिमम हजारों में होंगे जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, और दे विल बी थाउजेंड्स मोर हु हैव नॉट कम अप सो फार, क्योंकि गुरुजी बचपन से ही अपना जो अपने ब्लेसिंग्स थे वो दिया करते थे और लोगों को हैरानी होती थी, बट वो जैसे मैंने बताया कि पर्दा डाल देते थे और उसके बाद उनको पता नहीं लगता था। ऐसे आपने कईयों को देखा है कि वो गुरुजी के पास आए, उनका काम हो गया, उसके बाद भूल जाते थे। भूल नहीं जाते थे, गुरुजी उसको ऐसा करते थे कि वो फिर, और फिर वो करीब 10-15-20 साल बाद आते थे। तो गुरुजी के इतने सारे देखने के बाद आज की तारीख में मैं समझता हूं किसी को भी ऐसा शक नहीं होगा कि गुरुजी जो हैं वो शिवजी महाराज थे। बिल्कुल जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है शिव पुराण में, उनके एक्शंस, उनकी बातें, और गुरुजी एंड में खुद भी रिवील करने लगे थे। बट मैं, जैसे मैंने कहा, मैं सुनता था नारंग अंकल के सत्संग वगैरह, उनके प्रेजेंस में, गुरुजी के प्रेजेंस में सुनता था, बट यही सुनते थे कि गुरुजी ने ये क्योर कर दिया, ये क्या, जठेरा अंकल का कि मेरे कैंसर ठीक हो गया, बेटे का ये हो गया वो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक मयो क्लिनिक या कोई भी आप यहाँ पे क्लिनिक की चेन ले लें, उसके उसको गूगल करें, उसका वेबसाइट खोलें और देखें कि एक डिजीजेस का चैप्टर निकालें उसमें से, ए टू लेके जेड तक। आई थिंक ईच अल्फाबेट में कम से कम 50-100 डिजीजेस हैं। आप सबको थोड़ा सा गौर देखें और देखें कि उसमें से कौन सी ऐसी डिजीज जो गुरुजी ने नहीं क्योर की लोग किसी की। आप हैरान होंगे, गुरुजी डिड एवरी थिंग दैट यू सी देयर, ही क्योर्ड कैंसर जस्ट एक शब्द कह के कि जा तेरा कल्याण कीता। आई मीन कैंसर डिसअपीयर्स, ब्लॉक हार्ट ब्लॉक जा तेरा कल्याण कीता। एंड यू वुड हैव हर्ड दिस सत्संग मेनी टाइम्स, त्रिहान हु इज अ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, ही केम टू गुरुजी टू चेक कि हु इज द पर्सन हुम दे सी, उसकी पूरी रिकॉर्ड के अंदर कि ही इज हार्ट्स आर ब्लॉक्ड एंड नेक्स्ट टाइम ही कम्स आफ्टर विजिटिंग गुरुजी इज क्लियर। सो ही डिड दिस थिंग, एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, एवरी ह्यूमन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल डिस्कॉर्ड्स, यू नेम ए प्रॉब्लम, गुरुजी जस्ट, ये जो गुरुजी ने, मैं समझता हूं कि
रुद्राक्ष की माला, पानी, चम्मच, ये सब एक मेरे को पर्दा डालने का था मेरा ख्याल। गुरु जी तो आंख से, एक दिन उन्होंने मेरे को पक्का याद है कि मेरी तरफ आंख से देखा। एक बार पहले जब मैं पहले दिन गया, मैंने उनके नीचे पांव नीचे रख के, मैं ऊपर खड़ा होने से पहले उनके दोनों मैंने हाथों से पांव पकड़ लिए। एंड ही गेव मी सच ए पियर्सिंग लुक, परहैप्स आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आई डिड नॉट नो कि ये, आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू टच हिज फीट। बट उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि मैं जब भी गया पिछले अगले 8-9 साल, मैंने हमेशा गुरु जी के पांव दोनों हाथ से छुए। एक दिन मैं पीछे बैठा हुआ था डीजे अंकल के साथ, वो बिल्कुल जो वीडियो ऑडियो की जो रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह जहाँ पे जिस अलमारा में होते थे, तो इट वॉज प्रीटी फार, आई वाज लुकिंग टुवर्ड गुरुजी एंड ही लुक्ड एट मी, आई कुड सी दैट हिज आईज दे जस्ट पेयर्स थ्रू मी। नाउ विद दैट ही इज टू क्योर पीपल, ही इज टू प्योर बाय मेयर। नाउ गुरुजी ने कभी भी सबका कल्याण किया फाइनेंशियली। एक हैं जो कि डुगरी के पास एक गिल अंकल हैं, कौन है जिनको 200 एकड़ जमीन है, दे वेरी वेल। बट गुरुजी ने ऐसा नहीं किया मर्यादा से बाहर जाकर, ये नहीं कि जाते एक सोने का घर दे दिया, ऐसा नहीं किया। बट जो भी उनके पास आया उसने बहुत कुछ पाया, और वो रियलाइज उसने किया कि मेरे को, मैं प्रॉस्पर हो गया, मैं हेल्दी हो गया, मैं वेल्दी हो गया, मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलने लगी। गुरु जी कुड कंट्रोल टाइम, यू हैव हर्ड सो मेनी सत्संग, आई वोंट नरेट देम। ही कुड कंट्रोल रेन, एक हाथ से, आपने दर्शन आंटी का सुना है, एक हाथ से ऊपर करके ऊपर किया तो लाइटनिंग हुई, और सिर्फ गर्मी के दिनों में, और बड़े मंदिर में सब बैठे हुए थे, पंखे वगैरह उन दिनों में नहीं लगे थे शुरू में, तो वहां पर बारिश होने लगी। गुरु जी कुड कंट्रोल सन, कंट्रोल मून। मैं बाद में अपनी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट वो अपना बताएं कि किस तरह से गुरुजी मून को कंट्रोल करते थे। और ये सब जो चीजें हैं वो एक सर्वशक्तिमान, वो ही ये कर सकते हैं जो कि शिवजी महाराज हैं हिमसेल्फ। नोबडी कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ मैं और भी ये समझता हूं कि हालांकि हमने उस टाइम गुरुजी को बहुत लाइटली लिया, आई थिंक दिस वॉज हिज प्लान, इट वॉज वेल थॉट ऑफ प्लान, आई मीन दैट वॉज ही इज द सृष्टि के रचयिता है। मगर आज मैं सोचता हूं कि बिना भगवान की आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमको मैंने आपको बताया है पूरे डिटेल में, बट थोड़ा सा उसको बताऊंगा कि किस, हमको 10 साल का वीजा, हमारी पूरी फैमिली को, चार हम हस्बैंड वाइफ आंटी अंकल मेरा लड़का और डॉटर इन लॉ को उन्होंने गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने कहा जाते कल्याण किया, मैंने 10 फॉर्म गुरुजी के हाथ में दिए 2000 के अंदर January 10th को रात को, और गुरुजी का जा तेरा कल्याण किया। Now when I look back today, in fact उस टाइम ही हमने रियलाइज किया कि गुरुजी उस मनुष्य के रूप में, वो जो काउंसलर था अमेरिकन, उसके रूप में, या गुरुजी मुझको ऐसा एहसास हुआ उसका कंट्रोल माइंड किया हुआ था, तो वो इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहा था, वो यही सोच रहा था कि मैंने तुमको 10 years का वीजा देना है। और वो साथ ही साथ ये भी उसने टू क्वालिफाई कि वाकई में ही गुरुजी की ब्लेसिंग है, उसने वही शब्द कहे जो कि हम गुरुजी के जब मंदिर जाते थे कि इज शी योर गर्लफ्रेंड एट द बैक। नो गुरुजी ने ये देने के बाद, मैं ये कहूंगा कि ये नहीं उसके बाद छोड़ दिया, मैं देखता हूं कि अच्छे दो तीन साल बच्चे हमारे साथ रहे, और दैट वॉज ऑल्सो हिज प्लानिंग। एंड उस दौरान गुरुजी ने, मैं तो समझता हूँ कि हर ब्रेथ दैट वी टुक वॉज हिज ब्लेसिंग्स। एक्सीडेंट हुए, वी वर ऑल राइट, अदर थिंग्स हैपेंड, एंड फाइनली चिल्ड्रन अराइव्ड इन USA, एंड ग्रेजुअली यहाँ पर दे आर
यहाँ की संगत में घुल मिल गए हैं एंड गुरुजी ऑलवेज ब्लेसेस देम. तो गुरुजी जो है ये नहीं कि आपको वहां पे वीजा दे दिया आपके बस छोड़ दिया हाथ वगैरह. ही टेक्स केयर ऑफ यू ऑलवेज. नाउ मैंने आपको आगे बताऊंगा कि तीन चार दिन लास्ट टाइम मैंने आपको जब इसी में व्हेन आई जस्ट अराइव फ्रॉम इंडिया दो हफ्ते पहले तीन चार हफ्ते पहले मैंने एक अपना 15-20 मिनट का सत्संग किया था जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह एक ग्रिवॉल अंकल जनरल ग्रिवॉल अंकल को गुरुजी ने कहा कि तू ईस्ट जाएगा पोस्ट में जबकि सारे फैक्टर्स वर फेवरिंग हिम टू गेट पोस्टेड इन सिटू ऑन प्रमोशन एज ए लेफ्टिनेंट जनरल इन जलंधर. ना गुरुजी को उन्होंने कहा कि मैं तो वहां पे उन्होंने कहा उदाहरण दी तू सेवा करना उत्थे जाके. ना नॉर्थ ईस्ट इज ए टोटल इंसर्जेंसी इट वाज ए इंसर्जेंसी एरिया राइट सिंस इंडिपेंडेंस एंड आई थिंक सम ऑल दीज एरियाज ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड ऑल दीज एरियाज वर डिस्टर्ब्ड एरियाज. गुरुजी ने ग्रेव अंकल को उधर भेज के और ग्रेव अंकल ने वही किया जो गुरुजी ने बताया. वहां लोगों की देखभाल की वहां पर चंदे उनके होते होते ही वहां पर पीस आई और वो रेबल्स जो यू नो इतना ट्रबल करते थे वहां पर वो पीस अकाउंट के लिए गवर्नमेंट से साइन हो गए. तो नाउ गुरुजी ने क्या किया वहां पे हजारों लोगों की डेस्टिनी बदल दी क्योंकि अगर कोई और होता तो वही इंसर्जेंसी में क्या है एम्बुश करो यू नॉक डाउन अ पर्सन आर्मी पीपल गेट किल्ड दे गेट किल्ड. नाउ दैट मींस दैट ही चेंज द डेस्टिनी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल देयर. नाउ दैट इज व्हाट गुरुजी डस. जब मेरे बेटे को उन्होंने कहा कि तेरा कल्याण किया और अमेरिका भेजा ही चेंज हिज डेस्टिनी. इफ टुडे लुक बैक ही वर्चुअली चेंज हिज डेस्टिनी. नाउ गुरुजी तभी कहते थे कि आपकी लकीरें बदल सकते हैं वो बदल देते हैं. मैंने आपको जनरल प्रमोद महाजन का भी नरेट किया था तो आई विल नॉट रिपीट दैट बट ओनली आई विल टेल यू दैट वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि जनरल महाजन इट वॉज डिस्टर्ब्ड एरिया टाइम दैट टाइम ये 84 के बाद पंजाब में बहुत ज्यादा लॉलेसनेस थी एंड ट्रेवलिंग वॉज नॉट सेफ एट ऑल एंड ही वॉज टू गो ऑन ए ड्यूटी फ्रॉम जलंधर टू फिरोजपुर विच इज अबाउट 4-6 आवर्स ड्राइव. तो गुरु जी ने किस तरह से उनको ब्लेस किया उनको पानी दिया कि तुमको रास्ते में रुकना ही नहीं पड़ेगा खाने पीने के लिए एंड यू जस्ट रीच देयर सेफ. सो गुरु जी टेक्स केयर ऑफ हिज दिस थिंग. अब मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगा कि पिछले हफ्ते आपने जूम से एक पूरी आंटी का एक सत्संग जो ना जिनके हस्बैंड एक लेफ्टिनेंट जनरल थे DGBR थे वो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स में थे और वो किस तरह से जलंधर में जब पोस्टेड थे लेट 90 में तो किस तरह से वो गुरुजी के पास गए. उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था और बट वो इसमें विश्वास नहीं करते थे बट उनकी आंटी को बड़ा खुचाव होता था. तो उनकी डॉटर दिल्ली से आ रही थी. मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़े ब्रीफ में ब्रीफ करूंगा. उनकी डॉटर दिल्ली से आ रही थी 15-20-25-21 साल की डॉटर यंग गर्ल और वो 9:15 जलंधर सिटी में ट्रेन रुकनी थी. जलंधर कैंट में बहुत कम ट्रेन रुकती हैं सिटी में मैक्सिमम ट्रेन रुकती हैं. तो कैंट से जहाँ पर दैट टाइम ब्रिगेडियर पुरी वॉज लिविंग जाने के लिए सिटी जाने के लिए टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता था बट बीच में एक रेलवे फाटक था उस टाइम. अब तो फ्लाईओवर्स वगैरह बन गए हैं बिकॉज मैंने आपको पहले बताया मैं भी काफ़ी टाइम तक जलंधर में पोस्टेड रहा तो मुझको उस एरिया का ज्ञान है. तो वो थोड़ा जल्दी निकल गए काफ़ी जल्दी कि भाई फाटक बंद हुआ तो बहुत आधा आधा पौना घंटे बंद होता है. तो लकीली खुला था तो वो दे क्रॉस्ड एंड दे हैड अबाउट आर प्लस विद देम बिफोर द ट्रेन वाज टू अराइव. तो
उन्होंने सोचा, आंटी ने कहा कि मेरा बड़ा दिल है गुरुजी को मिलने के लिए। तो गुरुजी उन दिनों में मॉडल टाउन में थे, तो पूछते पूछते मॉडल टाउन पहुंच गए। और आपने ये भी सुना कि किस तरह गुरुजी ने उस आंटी का वो नाम लिया जो किसी और को नहीं पता था, तो आंटी वॉज क्वाइट सरप्राइज। तो करीब सिंस 8:45 गाड़ी थी, ट्रेन थी, तो 8:20 पे वो अपनी घड़ी उठने को तैयार हुए। तो गुरुजी ने कहा नहीं बैठ जाओ, गड्डी लेट है। तो वो फिर 5 मिनट और बैठ गए, फिर वो देखने लगे कि अगर यू नो टाइम से आ गई तो शी विल बी सॉर्ट ऑफ स्केर्ड रेलवे स्टेशन पे अकेला। तो वो फिर 5 मिनट उठने लगे, तो गुरुजी ने कहा अच्छा जाओ, गड्डी ते 9:15 पे आएगी। नाउ वो गए, गाड़ी एग्जैक्टली 9:15 पे आई। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या गुरुजी ने उसका जो गार्ड था उसका माइंड कंट्रोल किया था कि वो धीरे चलाए, या कोई जो लाइनमैन होता है उसको वो कंट्रोल किया हुआ था कि कोई झंडा दिखा दे रोक ले गाड़ी वहां पे, या जो स्टेशन मास्टर है उसका किया हुआ था। 9:15 पे एग्जैक्टली गाड़ी वहां पहुंची। तो गुरुजी जिस तरह कईयों की डेस्टिनी बदल देते हैं, हो सकता है किसी को सिमिलरली अराइव करना था, वो लेट हो गया रिसीव करने किसी अपने डियर नियर वन को। गुरुजी ने कई बार आपने सुना है जहाज का जहाज एक भगत के लिए वो उसको सबको बचा लेते हैं। तो गुरुजी जो हैं वो लोगों की डेस्टिनी बदल देते हैं। हमको सिर्फ उनके उनकी शरण में रहना है, और गुरुजी जो हैं वो एवरीथिंग हैपेंस बाय उनके ऑर्डर से होती है। एक पत्ता भी उसे बिना उनके हुक्म के नहीं चलता है, सारी सृष्टि जो है उनके हुक्म से चलती है। हम जो हैं अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने इससे उससे डरते रहते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक दिन कहा कि तू फिकर ना क्या कर, ये कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आज देखेगा कि हर हम जो भी जो कुछ सुन रहे हैं हम फिकर करते रहते हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन हो जाए, एडमिशन के बाद वो कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कॉलेज के बाद उसे जॉब मिल जाए, जॉब के बाद उसकी शादी हो जाए, उसके बाद उसी की फिक्र करते रहते हैं पूरी उम्र, और वो होता रहता है सब कुछ। तो आप ये सब बिना बॉस या किसी को करके अगर हम गुरुजी की शरण में उनको पकड़ लें, मेरा ख्याल और फिक्र ना करें। ये जो गुरुजी ने मुझको एक अपने से बताया है कि फिक्र नहीं करना चाहिए। नौ अब मैं एक छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी की जो गुरुजी जो हैं वो शिवजी महाराज हैं। शिवजी महाराज ने पूरी सृष्टि बनाई है, सब कुछ उन्होंने बनाया है, और उसके लिए आप देखिएगा कि वो इतने शक्तिशाली हैं, कितने तो अर्थ्स हैं इसमें, प्लैनेट्स, स्टार्स, नदी, नाले, पहाड़, स्नो, रेन, ट्रिलियंस ऑफ जीव जंतु। हम फिकर करते रहते हैं। आप देखो कि भगवान जो है वो किस तरह से सबकी रक्षा करते हैं। आप हम सब ने बचपन से सुना है कि जब साइबेरिया के अंदर जो वहां के पक्षी होते हैं, ठंड ज्यादा हो जाती है, वो गर्म इलाके में इंडिया की तरफ आते हैं, अपने बच्चों को वहीं छोड़ जाते हैं। उनकी बच्चों की देखभाल कौन करता है, कौन खिलाता है उनको, कौन पिलाता है उनको? हाँ, हम फिक्र करते रहते हैं। अगर वो पक्षी जो है फिक्र करते रहे तो वो कभी आएंगे नहीं, वहीं मर जाएंगे ठंड से। तो जो भगवान है वो कितने ताकतवर हैं, वो रेन ला सकते हैं। गुरुजी जो थे वो सन मून सबको कंट्रोल करते थे। लोगों ने देखा है ये,
अब मेरी आंटी बताएंगे कि किस तरह से गुरु जी ने मून कंट्रोल किया. ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है. आपको आपने सुना है थोड़ा सा ही, गुरुजी ने एक ट्रेलर दिखाया. ये जो आए थे अपना शुरू में एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था कि दो जगह वो प्रकट हो जाते थे. रोमा आंटी ने बताया आपको, गिल अंकल ने चंडीगढ़ में बताया. गुरुजी की फ्रेग्रेंस एक्चुअली गुरुजी की प्रेजेंस है. आपको पता है कि गुरुजी ने बहुत प्यार से ही अपनी संगत के लिए, अपने भक्तों के लिए बड़ा मंदिर बनाया. आपको पता है कि जो भी आंटी आपको, अंकल आपको सत्संग करते हैं, वो बताया होगा उसने 100 गुरुजी कहते थे चलो बड़े मंदिर, और जाके बड़े प्यार से दिखाते थे. मुझको भी एक बार बड़े मंदिर ले गए, मेरे को और मेरी आंटी को. तो गुरुजी ने ये बहुत प्यार से बनाया, तो उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बेसिकली शोज हिज प्रेजेंस. नाउ आपको बताऊंगा, 2019 में बिफोर लॉकडाउन मैं बड़े मंदिर गया था, और वहाँ पर मेरे को सौभाग्य था कि बाहर गुरुजी के हॉल के बिल्कुल बाहर ही एक चेयर लगा के मैं वहाँ बैठा था, और हम थोड़े से लोग थे, और गुरुजी की मुझको वहाँ पे फ्रेग्रेंस आई. तो उससे मेरे को एहसास होता है कि गुरुजी जो हैं वो बड़े मंदिर के अंदर गेड़ा लगाते रहते हैं, उनकी प्रेजेंस. अब जो ओमनी प्रेजेंट मतलब दुनिया भर में, वो हवा है. हवा जिस तरह से पूरी धरती के चारों तरफ है, सिएटल में भी है, लॉस एंजलिस में भी है, न्यू दिल्ली में भी है, और किसी भी हवा के अंदर वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो सकते हैं. तो ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी सीएंस, आपके दिल की बात को जानते हैं. आपको मैंने बताया था कि 2006 में मेरे सामने ही एक अंकल बैठ के सत्संग कर रहे थे. गुरुजी ने उनको बोला था कि दस अपना की होया तेरे नाल. तो मैं अपनी थॉट्स को दिल में संभालने लगा कि अगला मुझसे बोलेंगे तो मैं क्या क्या कहूँगा. बट गुरुजी को पता है किस कारण से मुझे नहीं बोला गया. लंगर हुआ, लंगर के बाद जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने पहले ही कहा कि जो कुछ तेरे नाल हुआ है लिख के रोमा आंटी नू दे दी. गुरुजी यूज़ टू सी. नाउ मैं, आपने सबने सुना है कि कहा जाता है कि हर एक इंसान के हृदय में, दिल में भगवान बसता है. भगवान का एक छोटा सा अंश, शिवजी महाराज का एक छोटा सा अंश बचता है, और ये अंश जो है शिवजी से कनेक्टेड है. एक बार ये कनेक्ट हो जाता है उससे, तो आपके दिल में जो भी ख्याल थॉट आता है वो शिवजी महाराज को पता होता है. यही एग्जैक्टली वहां पर होता था. लोग अचंभित हो जाते थे. तो आज गुरुजी वहां पर नहीं है. आज हो सकता है वो कैलाश पर्वत पर हैं या कहीं और हैं. फिर भी अगर आपके तार जुड़े हैं तो आपकी हर सोच, हर थॉट जो है उनके पास है. तो जैसे गुरुजी कहते थे कि एक मेरा मैं याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा. ये गुरुजी ने कई बार बताया है मुझे, याद करो. वो एक सिर्फ एक प्यार के भूखे थे, भूखे हैं गुरुजी. सो दैट हम, उन्होंने जो इतना क्रिएशन बनाया, फल फ्रूट आप देखिए, माय गॉड, ये नियमते हैं, ये एक ह्यूमैनिटी को दी हैं. तो हम उनकी हमेशा बढ़ियाई करें, उनको हमेशा थैंक्स करें. वो कहते थे गुरुजी, अगर आपके आंख कान नाक सिर के पीछे लग गए होते तो क्या होता आज उसको आप उसके लिए आप भी थैंकफुल, बी हैव ग्रेटिट्यूड. नाउ गुरुजी ने चंदे टीचिंग्स, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज दे आर वेरी रेलेवेंट. वो कहते थे सिंप्लिसिटी, एंड आई थिंक इट इज सो वेरी ट्रू. वो कहते थे, उन्होंने अपना करके दिखाया. ऐसे नहीं कि उन्होंने 100 acres के में तो उनका अपना घर है और दूसरों को कहते थे कि छोटे करते रहो. नो, ही स्टेड इन 10 feet by 10 feet कमरा. मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट इन छोटा मंदिर. ही मेड दैट बिग मंदिर. ही सेज, ये मैंने अपनी संगत के लिए बनाया है. तो वो कहते थे कि ऑल यू नीड इज, सो बी सिंपल, देन
ही सेड ए बी सी, बहुत अच्छा ये ए बी सी फॉर्मूला है, नो अब्यूज नो बैकबाइट नो कंप्लेन, एक बहुत ही वो है। आज हम इसी के चक्रों में गुजरते हैं, हमारी आदत है उसने ऐसे कर दिया, बुराइयां करना जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, एंड वी क्रिएट ट्रबल्स फॉर आवरसेल्फ फॉर एवरीबॉडी। अगर हम इसको ना करें, देखें कितनी अहम वहम, इतना ज्यादा हमारे बचपन से, मेरे को याद है छोटे बचपन में बताया जाता था कि नमक नहीं गिराना, तो उस टाइम शायद किल्लत थी, नमक की शॉर्टेज थी, कि तुमको आंखों से करना पड़ेगा, तो दैट काइंड ऑफ वहम आ गया था कि नमक गिर गया, या नाखून नहीं काटने 4 बजे के बाद, या सिर नहीं धोना है फलाने दिन, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव नो मीनिंग। गुरु जी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, और लास्ट में गुरु जी हरजी लास्ट में मैं ये कहूंगा गुप्त दान, गुप्त सेवा और गुप्त समर, ये कितने कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखें। मैं अभी अपनी आंटी को कहूंगा कि एक 5 मिनट वो आपको थोड़ा सा गुरु जी के बारे में की उस्तत करें, और जय गुरु जी अंकल आंटी। जय गुरु जी, और जय गुरु जी टू अलका आंटी एंड पूरी प्यारे गुरु परिवार को, जो ये गुरु जी ने परिवार बनाया है। गुरु जी को बहुत बहुत प्यारा है और हमारे को भी बहुत प्यारा है, तो गुरु जी की मेहर, गुरु जी की दया सारी संगत के ऊपर हो। आज बहुत ही अच्छे दोनों सारे शब्द गुरु जी के जो दरबार में बजते हैं सभी बहुत अच्छे हैं, पर आज के भी दोनों शब्द दया करें, गुरु जी हमेशा सबके ऊपर दया करें, और दूसरा शब्द भी इतना प्यारा था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो जिसके सिर के ऊपर गुरु जी का हाथ है, नजर है, उसका बाल भी बांका नहीं होना हो सकता। तो गुरुजी ने बहुत मेहर करी, कितने प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स गुरुजी के अभी भी याद आते हैं और आंखें भर जाती हैं। तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट टू स्मॉल इंसिडेंसेस। एक तो था करवा चौथ के दिन, जब सारी लेडीज इतनी सज धज के ज्वेलरी पहनी हुई, करवा चौथ पे जैसे सब बैंगल्स और कपड़े बैठी हुई थी गुरु जी के पूरे एम्पायर स्टेट में आगे, और सबने फास्ट मोस्टली रखा हुआ था, एक लेडी ने फास्ट नहीं रखा था जो गुरु जी के चरणों में बैठी थी। तो सब लेडीज इंतजार कर रही थी कि कब चांद निकलेगा, और जैसे 8 बजे तो एक लेडी अपने हस्बैंड को कहने लगी कि आप जाके देख कर आओ बाहर कि चांद निकला है कि नहीं। तो उनके हस्बैंड गए, वापस आए, कहते नहीं निकला। गुरुजी सब नोटिस कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और उनके हमारे को स्माइल की बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था कि ये स्माइल क्या मीनिंग रखती है, इतनी प्यारी स्माइल। थोड़ी देर के बाद फिर एक लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला, कहते तुम दोबारा देख कर आओ। तो वो फिर गए, करीब 15-20 मिनट के बाद फिर भी वापस आ गए। फिर ऐसे 3-4 दफा उसने अपने हस्बैंड को भेजा, और फाइनली गुरुजी कहने लगे जा हूं चले जा बाहर ना सारी चले जाओ, चांद निकल गया। तो लेडीज कहते गुरुजी को कैसे पता, और गुरुजी स्माइल करते हुए बोलते और लेडीज बाहर गई। पर जो जिस लेडी ने फास्ट नहीं रखा था वो वहीं चरणों पे बैठी थी गुरुजी के, और पैर उनके दबा रही थी। तो गुरुजी कहंदे पता है तेनू, गुरुजी दे कंट्रोल विच सब कुछ है, बार चंद ते हुण निकलिया, क्योंकि कंट्रोल ते सारा गुरुजी दे हाथ विच है। सो गुरुजी के हाथ में सब कुछ है, वो हर एक चीज कर सकते हैं, हर एक कार्य कर सकते हैं, और सारी संगत को वो
एक मैं कहूंगी मुस्कान दे देते हैं, खाली मुंह के ऊपर नहीं, इवन दिल में इतनी खुशी दे देते हैं। और सेकेंड इंसिडेंस आई'ड लाइक टू गिव, जो बहुत ही क्लोज है मेरे दिल में, राखी का दिन था। तो जब हम घर से आगे थे आ रहे थे, तो मैंने ना अपने पर्स में एक रखड़ी रख ली। मैंने कहा आज तो मैं गुरुजी को रखड़ी ज़रूर बांध दूंगी। और अंदर डरते हुए भी, हम लोग गुरुजी से प्यार भी बहुत करते थे, इज्जत बहुत करते थे, पर डर भी लगता था उनके पास जाके कुछ बोलने का या कुछ भी करने का। तो मैं तो बैठी रही काफ़ी देर, तो मैंने, और ना थोड़ा हम लोग हेजिटेट भी करते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, तो मैं भी हेजिटेट कर रही थी। पर फिर मेरे मन में आया आज तो मैंने गुरुजी के पास जाना ही जाना है। तो आई वेंट, और वहाँ गुरुजी के मैंने रखड़ी मैंने निकाल कर लेकर गई थी। तो गुरुजी ने हाथ आगे करा, तो मैंने गुरुजी को देखा और रखड़ी गुरुजी को बांधी। सो ये मोमेंट, ये प्यारे प्यारे जो लम्हे हैं, अभी भी याद आते हैं। हमेशा मैं गुरुजी को रखड़ी पे, अब आज भी जब राखी आती है तो राखी ज़रूर बांधती हूँ। सभी बांधते होंगे ऑफ कोर्स, पर ये है कि वो गुरुजी की, मतलब गुरुजी तो अभी भी प्रेजेंट हैं, मगर फिर भी वो लम्हे भी बहुत याद आते हैं। एंड सारी संगत पे गुरुजी का की मेहर रहे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अंकल अलका आंटी एंड एवरीबडी एल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड लव यू गुरुजी, एंड लव यू द होल संगत, एंड गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज बी विद यू। जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी आंटी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी एंड अंकल फॉर शेयरिंग सच ब्लिसफुल मोमेंट्स। आंटी आपने दो ही सत्संग शेयर करे, लेकिन दोनों इतने अच्छे सत्संग थे। अगर ऐसे कुछ और आपके पास मोमेंट्स हैं तो जरूर शेयर कीजिए प्लीज, इफ यू हैव फ्यू मोर। एक ना मैं लोहड़ी का सत्संग बताती हूँ, जो अभी लोहड़ी थोड़ी देर पहले ही हुई थी। और जैसे राखी के पहले ही, जब राखी आने वाली होती है बाजार में, राखी बिकती हैं, और तब बस गुरुजी की याद तो वैसे भी बहुत आती है, पर उस वक्त तो बहुत ही, मतलब अंदर से बहुत ही, मतलब अच्छा भी लगता है। और वी लव गुरुजी, गुरुजी। और इसी प्रकार लोहड़ी के दिन भी अंकल मैं, हम लोग गुरुजी के दरबार में गए एम्पायर स्टेट में। तो वी वर वेरी अटैच टू बड़े मंदिर ऑल्सो, बट इवन टू एम्पायर स्टेट, बिकॉज हमने इतने लम्हे वहाँ भी गुरुजी के साथ बहुत बिताए। तो लोहड़ी के दिन सारी संगत अंदर से हम लोग बाहर गए, और मैंने कभी भी उस दिन से लेके आज तक कभी भी नहीं ऐसी लोहड़ी देखी। मतलब जो ये लकड़ियाँ लगी थी, देवर लाइक अ माउंटेन, यू नो, इतनी ऊंची थी कि ऊपर देखते रहो जैसे कोई आसमान ही छू रही है। तो और इमेजिन वहाँ गुरुजी खड़े हुए, मतलब इतने ग्रेसफुल, इतने सुंदर, और बड़े बड़े थाल, दो थाल, इतने बड़े थाल, जो एक थाल में भरा हुआ ये गज्जक, रेवड़ी, पॉपकॉर्न्स, और दूसरे में ड्राई फ्रूट्स एंड यू नो स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, और मतलब बहुत चीज़ें। और सारी संगत को मालूम ही है कि गुरुजी तो मतलब इतने खुले दिल से, हाथ से जब वो देते थे, भर भर के हाथ, हमारे दोनों हाथ में पूरी नहीं आती थी चीज़ें। और फिर वो पूरी फायर प्लेस के राउंड जाना, गुरुजी को मत्था टेकना, और उसके बाद हम लोग सारे अंदर आते थे। तो लोहड़ी का दिन भी एक्चुअली हर एक मोमेंट जो है, इवेंट उस वक्त, और मैं कहूँगी इवन यू वोंट बिलीव, हमको इतना अच्छा लगा आज
सारे दिन सारे मोमेंट गुरु जी के साथ बहुत प्यारे, पर आज का भी दिन आई थैंक द होल ऑफ द संगत एंड टू अलका आंटी फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस संगत एंड वी एंड ऑल्सो ऑन गुरुजीज बर्थडे अनदर आई जस्ट रिमेम्बर्ड वी हैड गॉन टू बड़े मंदिर और शिवरात्रि के दिन भी हम उधर गए थे. मतलब क्या रौनक जो मे बी एक मैरिज में भी इतनी नहीं होती. गाने चल रहे हैं, गुरुजी बीच में बैठे हैं, इमेजिन द होल संगत इज अराउंड गुरुजी. और गुरुजी कहाँ बैठते थे, जहाँ पर ये बाल शिव जी की जो स्टैचू है फाउंटेन के उधर, उसके उधर बैठते और हम लोग सारे आसपास, और गाने चल रहे हैं, उसके बाद डांसेस चल रहे हैं. मतलब ऐसा माहौल मैं मतलब कभी नहीं देखा. इट वॉज सो नाइस. गुरुजी स्माइलिंग और सारों को गुरुजी सबको देखते थे एंड ही न्यू व्हाट इज विद इन अस एंड व्हाट इज यू नो बाहर क्या है. तो अंदर बाहर का सब गुरुजी पहचानते थे. सो थैंक यू अलका आंटी एंड थैंक यू एवरीबॉडी, वी लव यू ऑल. आई विल जस्ट ऐड वन स्मॉल दिस थिंग. माय सन केम बैक from he was in Dubai in 2000 he came back and Guruji ko matha teka. Guruji ne usko kaha ki ja tu Amritsar da chakkar la ke aa, and he went there and wahan pe bete ne car seva ki and he came back and told Guruji. So another time my auntie had taken her mother to her and she was about in her 80s that time. So un kaha ki guruji na de ghode dang bande dard kar de, to guruji ne kaha ki main koi doctor ha. And you know he was lot of humor. Acha ek bar ye this reminds me hamare bete ka uncle ne bataya, to similarly our grandson Jay छोटा सा था मेरे का 2.5 साल का, तो ही used to always go with us to Empire State. है ना, ये हम लोग सारे जाते थे और सारे खुशी से जाते थे, किसी को कभी नहीं कहा चलो. मतलब गुरुजी की कुछ अट्रैक्शन ही इतनी थी, प्यार इतना था कि हम लोग सब खुशी से जाते थे. तो हमारा ग्रैंडसन ने जब गुरुजी को देखा, तो जब हम लोग मत्था टेक के आए तो कहने लगा, कहते दादा नाउ गुरुजी विल गो इनटू द क्लाउड्स. क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं गुरु मतलब भगवान क्लाउड्स में होते हैं. सो यू नो एज अ चाइल्ड उसने कहा ये हमारे गुरुजी जो भगवान है ये भी क्लाउड्स में चले जाएंगे इसके बाद. सो यू नो द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन, ऑल दीज इंसिडेंसेस एंड रिमाइंड अस ऑफ दोज डेज. एंड ऑफ कोर्स इवन टुडे वी विल ऑलवेज रिमेम्बर, इट विल रिमाइंड अस यू नो कि कितनी प्यारी संगत और सबको हमारा मेल हुआ, बात हुई. एंड हमको ऐसे लगता है जैसे गुरुजी का नूर ही ऐसा है, हमको ऐसे लगता है जैसे हम अलका आंटी को तो हम लोग एलए में मिले हुए हैं. वी डिडंट नो हर बट द डे वी रीच नेक्स्ट डे उनके घर में संगत थी एंड वी वेंट विद रूबन और चंदा, उनके साथ हम लोग गए थे. And my son, daughter-in-law and children were with us. My husband was there. तो हम लोग गए और गुरु जी की संगत कहीं भी हो, और लाइक अलका आंटी एट द मोमेंट वेन वी वेंट, कभी ओपरा पर नहीं लगा. जब एंटर करते हैं गुरु जी की संगत में लगता है हम सभी को जानते हैं. सो इवन टूडे आई फील गुरु जी ने मेरे को ये एहसास दिया है कि मैं सारी संगत आपको, जिससे मैं थोड़ी सी मतलब गुणगान कर सकी हूँ गुरु जी के, कि मेरे को लगता है जैसे मैं सबको जानती हूँ. एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेलकम.